टू यूट्यूब चैनल क्लास चैप्टर। आज हम मैथ्स में टॉपिक पढ़ेंगे फ्रैक्शन, कि इस टाइप की फ्रैक्शन कैसे सोल्व करता है। बहुत इजी मेथड है इसे सोल्व करने का। क्या करेंगे, जो नीचे की सबसे डिजिट हैं इसकी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अरे लेस का साइन है तो क्या हो जाएगी, ये माइनस। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, 1 4 माइनस 1, 2 की 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 10, 10 में से माइनस कितना करना है 1, तो कितने बचे, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, 9/2। ठीक है, अब क्या करना है इसको, क्योंकि 1 2 3 3 डिजिट हो गई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, 1/4 माइनस 2/9। ठीक है, बहुत इजी तरीका है। अब क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, 9 की 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 36। ठीक है, 36 में से कितना माइनस करना हमें, 2। 36 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचा आपका 36 में से 2 माइनस करने पर 34/9। अब देखिए 3 डिजिट हो गई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 की 1 से करेंगे तो 9 1 से 9, और नीचे क्या बचा, 34। इसका आंसर, 3 लाइन का आंसर है 1 2 3। बहुत इजी मेथड है इसका। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्वेश्चन में प्लस का साइन आ जाए, मतलब पॉजिटिव का साइन आए, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बहुत इजी, जैसे ऊपर करा हमने ऐसे नीचे करेंगे। देखिए क्या करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आता है, देखिए 3 1 से 3 3 की प्लस का साइन है तो प्लस होंगे 2, 3 1 से 3 3 और 2 कितना होगा 5। ठीक है, ऊपर क्या आएगा क्वेश्चन में 5, और नीचे क्या आएगा क्वेश्चन में 3। ठीक है, तुम्हारे प्लस का साइन खत्म हो गया। अब देखिए फिर ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसे ही हो गया जैसे हमने ऊपर करा था, कि 1 2 3 1 2 3 इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा क्वेश्चन में, 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 की 1 से करेंगे 3। ठीक है, डिवाइड बाय 5, ये क्या बचा प्लस के 1 प्लस 1। फिर ऐसे ही 5 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 1 से करेंगे 5 1 से 5, और 3 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 8। ठीक है, तो ये आ गया 8/5। ठीक है, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5 आता है, और 1 5 में प्लस 3 करेंगे कितना 8, तो 8/5। अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 से 5। ठीक है, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा क्वेश्चन में, 5 प्लस 5 बाय, नीचे 8 ऐसे रहेगा क्वेश्चन में। अब देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 से 8, और 8 में 5 प्लस करेंगे कितना होगा, 8 में 5 प्लस करेंगे होगा ये 13/8। ये क्या गया हमारा आंसर। बहुत इजी मेथड है। अगर क्वेश्चन में इसी टाइप क्वेश्चन में डिवाइड का साइन हो, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड, इस सबने पहले करा था प्लस का, इससे पहले माइनस का साइन था, अगर डिवाइड का साइन हो तो क्या करेंगे, तो बहुत इजी मेथड है इसका। देखिए क्या करना है, 1 ऐसे लिखना, डिवाइड ऐसे ही, 1 ऐसे ही, फिर नीचे 1 डिवाइड, फिर 1। देखिए अब क्या करना है, कि कभी भी क्वेश्चन में डिवाइड का साइन आए और 2 डिजिट दे रखी 1 2, तो हमें क्या करना है, 1 तो लिखेंगे क्वेश्चन में एज इट इज, 1 लिखा हमने एज इट इज, जो ऊपर वाले की वाला 1 लिखा हमने एज इट इज। ठीक है, अगर ये डिवाइड का साइन आ रहा था, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई का, और इसको इनवर्स करना है, जैसे 1 ऊपर लिखा 2 नीचे, तो हम क्या करेंगे, 2 ऊपर नीचे 1, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आता है, 1 फिर ऐसे रहा डिवाइड 1, ठीक है 1 नीचे ऐसे रहा क्वेश्चन में मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर देखिए 2 1 2, तो क्या गया 1/2, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन में सेम डिवाइड का साइन आ रहा है क्वेश्चन में, अब क्या करना है, मैं सेम ऐसे जैसे ऊपर करता 1 डिवाइड 1 1, ऐसे रहा क्वेश्चन में, डिवाइड का साइन है तो कौन सा साइन लगा, मल्टीप्लाई का 2/1, इसको हम ऊपर लिखेंगे और उस वाले को नीचे, ठीक है इन्वर्स कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर ऐसे सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या बचता है इसका, देखिए 1 ऐसे रहा, डिवाइड ऐसे रहा क्वेश्चन में 1/1, ठीक है 2 की 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 1 से 2। ठीक है, फिर क्वेश्चन में सेम ऐसे रहा, डिवाइड का साइन आ रहा है, तो हम कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, अगर डिवाइड कर रहा है फिर मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, 1 ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई 2 ऊपर लिखेंगे 1 नीचे, ठीक है 2/1, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 2, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये हमारा क्या गया आंसर।